बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं मुंबई वाले। मैं तो जा रही हूँ सूरत। हर बार पकड़ के खड़े हो, लेट हो गई यार फ्लाइट हमारी। कॉस्टली तो मुझे लगा वो थोड़ा सा। आई मीन दिस वाज डन इन 10 मिनट्स लिटरली। फॉरगेटिंग व्हाट? ये बाग में रिकॉर्डेड है। वन मंथ लाइक मैरिड कपल। अब मुझे प्रेशर हो गया है। सारा कैसे रहा इसका? तो हसल कर सारा। हस्त मैथुर हानिकारक नहीं है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यस। इतनी ज्यादा उत्साह के साथ मैंने बोला और वेयर वाज योर उत्साह? सी आई वाज उत्साहित। इसलिए मैंने देखो मॉर्निंग में उठा के लेके गई। मैं नहीं उठाती तब तो सोती रहती। हां लुक एट माय आईज में एकदम 2 मिनट में लिटरली रेडियो के नीचे गई फ्लैग होस्टिंग के लिए। एंड सोफी आई गॉट दिस फॉर यू। थैंक यू। व्हाट इज दिस फॉर? डू यू नो? 1 मंथ एनिवर्सरी। ये 1 मंथ 1 मंथ लाइक मैरिड कपल। बाय पुकू चन्ना मेरे या मेरे या। फिर कब आओगे? जब आओगे ना घर थोड़ा भरा भरा हो जाएगा। हेलो। वी विल हैव सोफा ऑन द लेफ्ट साइड, स्टूडियो ऑन द राइट साइड, प्लस तेरा सामान, प्लस आपका सामान। यस पोको। बाय। इट्स 8:34। आई एम गेटिंग लेट टू मीट जानवी एंड सारा। हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। यू गाइस आई एम वेयरिंग जंप सूट फॉर द फर्स्ट टाइम। आई विश मैं आपको दिखा सकती मेरा जंप सूट। आई डोंट हैव अ लॉन्ग मिरर सो आई कैन नॉट शो यू द एंटायर आउटफिट। मेरे मुंह में बाल। सो लेट्स गो बिकॉज़ वी आर सो लेट। मुझे आधा घंटा तो लग जाएगा सारा के घर पहुंचने में। पहुंच गए हम। बटरफ्लाई हाय। हाय। आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस। व्लॉग से हाय। व्लॉग सेप्शन। थैंक यू सो मच। क्या व्लॉगर बनेगी तू? बहुत अच्छी व्लॉगर बनूंगी गाइस। अवार्ड खरीदूंगी। मस्त फ्लाई। Guys, this is what girls do in the washroom. For no reason, we are dancing here. Chalo. This is the outfit for today. मुझे आईना मिल गया बाथरूम में तो मैंने ले लिया क्लिप। Yes. ये देखो इतने लंबे गाइस, मेरी आधी शक्ल तो काट गई ये लोग। Sorry, sorry, sorry. इसके मुंह पे पैकेज मार दिया। Guys, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं मुंबई वाले। मैं तो जा रही हूँ सूरत। एक सेकंड, मैं भोपाल वाली हूँ। ठीक है, इसको जब मौका मिलता है सूरत से भाग के मुंबई आती है। मुंबई वाले मैं जा रही हूँ सूरत। गाइस मुझे पता नहीं था कि हम बॉटल ये लेके जा सकते हैं। ये अच्छा कांच का बॉटल है। जैसे ही सारे ने बोला आई एम टेकिंग दिस, मैंने कहा हेलो मेरे घर में सामान नहीं है, मुझे ला। पेड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर सो यू कैन टेक द ड्रिंकिंग वाटर। बस ऐसी कर करके मैं अपने घर में सामान भर लूं। ऐसा सामान मत भरना। जोक था रे पगली, जोक था। इसके जोक में ना मेरे को जोक समझता नहीं गया। मेरे को सब लोग बोलते हैं तेरे सेंस ऑफ ह्यूमर में मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। The next day. मैं रेडी हो चुकी क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर। दो तीन काम है मुझे। सुप्रिया का वर्क फ्रॉम होम है तो वो मेरे साथ नहीं आ सकती। 2 PM जैसे शुरू होता है सुप्रिया इज लाइक मैं Bye. नहीं कर सकती। बाय बाय बाय। See you tomorrow. Contact before 2 PM. Anyway guys, आपको पता है सुप्रिया का वर्क डेस्क आ चुका है। उसने रेंट फिकल फ्रिकल रेंट टिकल से मंगा है। वो टिकलिंग वाला टिकल वहां से मंगा। इट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ फर्नीचर। ये रेंट वाला है, ठीक है, हम लोग ने खरीदा नहीं है इसे। तो अभी हॉल स्पेस में है उसका टेबल और चेयर। जैसे ही मेरा सेटअप हो जाएगा हॉल स्पेस का स्टूडियो सेटअप, ये अंदर शिफ्ट हो जाएगा। एंड आई लाइक दैट ये अभी हॉल स्पेस में, क्योंकि मैं और सुप्रिया मोस्ट ऑफ द टाइम इसी हॉल स्पेस में बैठ के काम करते रहते हैं। जब मुझे वॉइस ओवर दे रहा था तो मैं अंदर चली जाती हूँ, और यहाँ पे मैं एकदम बहुत ही सीरियस तरीके से एडिट कर रही होती हूँ ताकि मैं कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना आए मेरे सामने, यू नो, बिकॉज ही जस्ट टॉक। हाँ, कभी कभार हम लोग ऐसे निकल पड़ते हैं, टाइम पास करने लगते हैं और काम कुछ हो नहीं पाता है। एनीवे सो लेट्स गो बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स टू कवर टुडे। जाने से पहले मैं खाना खा लेती हूँ। सुप्रिया ने ऑलरेडी खाना खा लिया है। दिस इज द लंच फॉर टुडे। हमने कुक रखी है ना तो उन्होंने ये लंच बनाया है हमारे लिए। जो भी बच गया है वो मैं फ्रिज में भर दूंगी। दाल काफी है, रात के लिए हो जाएगी दाल। वी आल्सो हैव चावल। सो सबसे मेन काम जो है वो ये है कि मुझे अपने बॉडी मेजरमेंट्स लेने हैं प्रॉपर वाले, जो आउटफिट आउटसोर्स करते हैं ब्रांड से उनके लिए। दोगी मेरे एरिया के आसपास मुझे लेडीज टेलर ही नहीं मिल रहा, तब से ढूंढ रही हूँ मैं। आई फाउंड अ शॉप, दे आर रेडी टू डू द मेजरमेंट्स फॉर मी। Obviously it's chargeable क्योंकि it's an art, कोई किसी का measurement ले रहा है, properly ले रहा है, and they also have like good jewelry collection, कुर्ता भी in house बनाते हैं वो। So I looked into some kurtas and some jewelry, I ended up buying some for myself. These two I bought, बहुत ही different और unique है, and I really like this one particularly क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है।
दीदी इज गोना टेक माय मेजरमेंट दीदी प्लीज दीदी ने मुझे इतने अच्छे से लिख के तो दिया मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा पर दीदी कह रही है कि जिनको आप दोगे उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा जो भी आउटसोर्स करेंगे ना आउटफिट उनके लिए ताकि उनको समझ में आए कि ये मेरा मेजरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग आउटफिट भेजेंगे वैसा वाला ताकि मुझे अलग से जाके फिटिंग ना कराना पड़े। रात का समय हो चुका है और सुप्रिया एक बहुत ही अच्छा सा DIY डिश बना रही है एंड सुप्रिया से पूछो क्या डिश है तो बोलती दिस इज नो डिश दिस इज सुप्रिया'स डिश बेसिकली लेट मी शो यू व्हाट शी इज कुकिंग सो मसाला यहाँ पे उसने भूनना शुरू कर दिया है यहाँ पे आप लोग मेस देख रहे हो वो उसे क्लीन करने वाली थी मैंने बोला नो वी विल शो द रियल स्टफ सो बेसिकली उसने रोटी और चावल को ऐसे मिक्स कर दिया है एंड नाउ वो उसे भूनेगी है ना सुप्रिया यस इट्स लाइक फ्राइड राइस विथ रोटी का चूरा क्या बोलते हैं मराठी में कोर रोटी का कोर सो इट्स मिक्सचर ऑफ बोथ एंड विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स गाइस दिस इज द फाइनल रिजल्ट अच्छा दिख रहा है यार सुप्रिया और समझ नहीं आ रहा है कि तूने रोटी डाला है उसमें एक सेकंड में टेस्ट टेस्ट करूंगी मास्टर शेफ दीजिए हमें ओह फूक के हो बोलेगी मेरा मुंह जला नहीं नहीं स्मेल्स नाइस अरे वाह देखा वेरी नाइस सुप्रिया अंडरएस्टिमेटिंग माय रेसिपी आई एम नॉट आई वाज जस्ट डाउटिंग इट अ बिट बट इट इज वेरी नाइस जो भी तूने बनाया जो भी बनाया बेटा अच्छा बनाया दोबारा जरूर बनाना सुप्रिया बोली थी हॉस्टल लाइफ की याद आ रही है मुझे इसलिए मैं ये बना रही हूँ ऐसा था हॉस्टल में मैं जो भी बनाती थी ना एवरीबॉडी यूज्ड टू लव या यूज्ड टू लव मैंने लोकल लोगों से भी बात की थी वो थोड़ा ज्यादा कोट करे थे तो हम लोगों ने नो ब्रोकर में एक नंबर ढूंढा एंड वी कॉल देम अ गाय केम टू इंस्पेक्ट द वॉल उन्होंने अच्छे से वॉल वगैरह इंस्पेक्ट कर दिया ही ऑल्सो गेव मी अ शेड कार्ड सी दीज आर द कलर्स एंड दिस इज द कलर दैट आई सिलेक्टेड फॉर रूम सो मुझे ऐसे सिमिलर कलर्स इसी में मिल गए सर पेंटर इज हियर ही इज रहमत भाई वो ये वाली दीवार को और इसके ऑपोजिट वाली दीवार को सबको पेंट करेंगे हमने थोड़ा बहुत सामान ऐसे हटा दिया है ज़्यादा सामान है ही नहीं घर में तो पहले वो पुट्टी लगाएंगे उसके बाद पेंट होगा वो बोल रहे हैं 2 घंटे में सूख भी जाएगा वो सो ये तो प्लेन दीवार है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम लगने वाला है हमको इस दीवार में बिकॉज इस दीवार में होने वाला है टेक्सचर और यहाँ पे सामान ऐसे पड़े हुए हैं थोड़े थोड़े बाय द वे हमारा मिरर आ गया गाइस तो ये मेरे बाथरूम में लगना है आई पेड 3000 rupees फॉर दिस मिरर ये LED वाला मिरर है जब भी लग जाएगा तब अच्छे से आपको दिखाऊंगी मैं रहमत भाई चाय ले लो आपकी चाय रखी यहाँ पे ठंडी हो जाएगी नहीं Hours later. तो आज वो इतना काम करके गए जहाँ पे कारपेंटरी का काम हुआ था टू हाइड दी वायर्स ऑफ दिस AC उसके ऊपर उन्होंने पुट्टी लगा दी है लुक एट दिस वॉल ऐसा लग रहा है कि वो वॉल का ही पार्ट है और कल या परसों आके वो वॉल को पेंट करेंगे इतना करने में ही 2 या 3 घंटे लग गए सूपी डू यू आइडेंटिफाई एज अ काउच नाउ मैं जा रही हूँ पूछेगी नहीं कहाँ जा रही हूँ ऐसे कैसे यार घर वाले होते तो मुझे अभी तक बोलते स्पेशली मेरी माँ कि कहाँ जा रही हो किसके साथ जा रही हो कितने बजे आओगी यू नो कंसर्न्स दिखाते हैं सुबी ऑल्सो शोज कंसर्न जब मैं लेट हो जाती हूँ आने के लिए तो वो मुझे कॉल करती है बोलती कब तक आएगी ऐसा नहीं बोलती अभी तक आई क्यों नहीं ये नहीं बोलती बस कब तक आएगी ऐसे मैसेजेस आते हैं मुझे मैं एक्चुअली पास वाले मार्केट जा रही हूँ कल मेरा और सारा का शूट है वी कांट रिवील मच अबाउट द शूट बट वी नीड सम प्रॉप फॉर दिस शूट सो उसकी शॉपिंग मुझे करनी है फिर घर आ जाएंगे वी वांटेड दिस फॉर द शूट टू ऑफ दिस 60-60 का है यार और ये नॉर्मल स्टील वाली 50 की बताओ क्या बोलोगे और कम भी नहीं कर रहे हो Got some flowers as well. These are fake flowers and these lantern. These are so pretty. Let me show you. Huh? वैसे रख दो. Look. So cute. A little later. हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे Oh my God, 2
मैंने आज इतना बढ़िया चिकन बनाया था, मैंने उसे शूट नहीं किया बट इट वॉज लुकिंग रियली नाइस ना. दिस वॉज द सेकंड टाइम आई वॉज मेकिंग दिस. आई जस्ट वॉन्टेड टू प्रो लाइक लिटिल प्रो एट इट एंड देन फिल्म इट हाउ आई लाइक टू कुक माई भुना चिकन. बट दिस इज द इमेज व्हेन आई फर्स्ट मेड इट एंड दिस इज द इमेज व्हेन आई सेकंड टाइम मेड इट. एंड सुप्रिया वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद माई कुकिंग. शी वॉज लाइक बाय यार लड़की सीख रही है. थैंक्स सुप्रिया. और हम लोग रात के 11:15 का शो जा रहे हैं. वापस लेट होना है. नहीं हमने हम बारहवीं के लिए लेट नहीं हुए थे सुप्रिया. कम ऑन हम मर मर के गए थे पर पहुंच गए थे हम. वी रीच्ड. कहीं टिकट मिले ना मिले यहाँ टिकट जरूर मिल जाती है इस पीवीआर में. एंड वी स्टिल हैव 2 मिनट्स. ये टाइम पे पहुंच गई मैं. A little longer than a few minutes later. 2:13 हो गए रात के सुप्रिया. Yes. कैसी लगी मूवी? अच्छी थी. सेक्स एजुकेशन के बारे में बात किया उन्होंने. Important topics. Yes. और उन्होंने क्या बोला था हिंदी में? हस्त मैथुर हानिकारक नहीं है. अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे टॉपिक्स पे जो ऐसे मूवीज बनते हैं ना. The next morning. Just a prop fudge. मैं नहीं लाई कुछ भी आपके लिए. इतनी प्यारी प्यारी आंखों से देख रहा हूँ मुझे लाइक कुछ तो लाई होगी. मैं सारा के घर पे हूँ. आई वॉज हेयर टू फिल्म अ कोलैबोरेशन जो कि अभी नहीं आएगा, अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा. वी जस्ट रैप्ड. आई केम अराउंड 12:30. इट्स 6 करेंटली. सारा बाहर बैठी है. मैं बस रैप अप कर रही हूँ. दैट्स साक्षी. साक्षी से हाय. सब सामान वगैरह ऐसे भर के लेके आई थी. मैं रैप ही कर रही हूँ फिर घर जाऊंगी मैं. सो घर पे ना अभी पेंट चल रहा है. जो हॉल है ना वहाँ पे पेंटिंग हो रहा है. कल पुताई होगी थी, आज पेंटिंग था. तो थोड़ा बहुत मुझे वो देख के आना पड़ा क्योंकि सामान वगैरह हटाना था ना. तो सुप्रिया रियली हेल्प मी आउट विद दैट. अभी वो थोड़ा सुपरवाइज कर रही है. मेरा मन था कि मैं देखूँ सुपरवाइज करूँ बट इट्स ओके. वी नो द कलर्स दैट वी वॉन्ट. एक वॉल हो चुका है और बेडरूम का वॉल हो चुका है. सो आई एम लाइक एक्साइटेड टू सी कि कैसा पेंट किया होगा उन्होंने. लेट्स मीट सारा ऑल्सो बाबा. That's the team. Say hello, team. Hi. That's Sarsar. It's a wrap, Sarsar. Thak gayi bichari. She ordered pav bhaji. She was so close to saying made. The hopeless vegan make food. I can't even put tadka properly, bro. She made someone order pav bhaji. I didn't even order it myself. I made yes. someone order. Yes, and it was nice. But मुझे कांदा पसंद नहीं है, प्याज. तो what kind of a person doesn't like कच्चा प्याज? Please comment and let me know. Me. Mumbai and many others. Yeah. Yeah. Hello. You love. चल सारा, अब तू rest कर. नहीं कैसे rest? सारा कैसे rest कर सके? तू hustle कर सारा. मैं जा रही हूँ. I am home. मेरा hall का एक wall paint हो चुका है. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो कैसा दिख रहा है background में. Ta-da! Outfit matches with my wall, but this color, guys, oh my god, this is so pretty. अभी तो सूखेगा वो, but they effed up अंदर के wall का color. Let me show you what they did. And this is मेरे bedroom का wall, which looks white. Like it is supposed to look like 8115 जो color हम लोगों ने choose किया था. This was the color, and it's not that color. So basically, computer से बन के आता है color computerized, okay? So computer effed up, ठीक है? It was not human error, it was computer का error. उन्होंने अपनी mistake मानी और वो दोबारा इस पर color लगाएंगे. But जो भाई साहब color लगा रहे हैं ना, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है यार. उनकी double मेहनत हो गई, बताओ. The next morning. So the true color of the painting has finally started. This is the next day. आप लोग देख सकते हो रहमत भाई पेंट कर रहे हैं. सेकेंड कोट अप्लाई कर रहे हैं वो. अच्छे से एसी वगैरह भी कवर कर दिया है उन्होंने. प्लक्स पॉइंट भी कवर्ड है वहाँ पे. कलर इज गोना लुक सो प्रिटी वंस इट इज डन. आज टेक्सचर का काम भी शुरू हो चुका है. एंड ये जब खत्म हो जाएगा देन ऑल द पेंटिंग विल बी डन ऑफ दिस हाउस एंड देन वी कैन स्टार्ट फर्निशिंग द हाउस. सुप्रिया का आप देख सकते हो ऑफिस स्पेस. यहाँ से हटना पड़ेगा. वो अंदर काम कर रही है अपने रूम में. सो करेंटली दे आर शोइंग सैम्पल्स. ठीक है, उसके बाद वी विल डिसाइड कि कौन सा सही लगा. नेक्स्ट टू सैम्पल्स आई थिंक आई लाइक प्रीवियस वन बेटर ना. वाला भी नहीं, फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है मुझे. दे आर जस्ट फिनिशिंग इट अप. वो जो आपको दिख रहा है ना वो वाला पोर्शन, लेट मी जूम इन. ठीक है, दैट वन लुक्स फाइन क्योंकि वो ज़्यादा राउंड राउंड नहीं है. तो मैं उनको बोलूँगी कि पूरे वॉल को वैसा करें. बट दिस वॉज सो फास्ट. आई मीन दिस वॉज डन इन 10 मिनट्स लिटरली. एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट. आप लोग मुझे सच सच बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लग रहा है. आई लाइक इट. आई थिंक इट हैज टू ग्रो ऑन मी बट आई एम एक्साइटेड टू फिल दिस रूम अप विद आर स्टूडियो इक्विपमेंट्स एंड लाइक ड्रॉर्स, चेस्ट ड्रॉर्स, एवरीथिंग.
बड़ा मजा आया। 24 hours later शाम का समय और मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए एयरपोर्ट टर्मिनल 1। मैं जा रही हूँ इंदौर। मैंने फ्लाइट करी, 2 दिन पहले फ्लाइट करी मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी की शॉपिंग के लिए। दिव्यता, अगर आप नहीं जानते उसको तो शी इज माई चाइल्डहुड बेस्टी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भोपाल से हम लोग साथ है। इट्स बीन मोर देन 15 ईयर्स हमारी फ्रेंडशिप को एंड शी इज गेटिंग मैरिड। शादी अभी नहीं है, वो US में रहती है बट उसको शॉपिंग इंडिया से करनी है और शादी भी इंडिया में है, सो शी डज नॉट हैव लॉट ऑफ टाइम। वेडिंग की शॉपिंग हम लोग करने वाले हैं इंदौर से, ठीक है। एंड ऑफकोर्स मैं तो एकदम बेस्ट ब्राइड्समेड हुई, तो आई एम ऑन ब्राइड्समेड ड्यूटी अगेन। सुपर एक्साइटेड टू लाइक शॉप विथ हर, लुक फॉर द लहंगास जो उसको शादी में पहनना है, संगीत में पहनना है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। माई बैग्स आर ऑल पैक्ड एंड रूम इज प्रीटी क्लीन टूडे, यू नो। जस्ट लुक एट द रूम, लुक्स क्वाइट क्लीन, राइट। ये सब मुझे लेके नहीं जाना है, वो दोनों बैग मुझे लेके जाना है और ये जो सामान यहाँ पे रखा हुआ है वो मुझे लेके जाना है। वैसे 8:55 की फ्लाइट है, 7 बजे निकलूंगी तो भी पहुंच जाऊंगी क्योंकि ये मुंबई है, मुंबई की ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं भी रुक सकती है, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक रुक सकती है, तो आई एम गोना गो बिफोर टाइम। सो एक्साइटेड टू मीट दिव्यता, विल यू मिस मी? सुप्रिया और मैं भी काफी टाइम बाद मिलेंगे क्योंकि जब मैं आऊंगी तब वो नहीं आएगी वापस। आई थिंक 8 या 9 तारीख के बाद मिलेंगे ना हम लोग, September 15 days later I'm going to meet you, Sophie. Bye. What is it? वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगी। मैं भूल गई हूँ तो मुझे अभी नहीं बताएगी तो मुझे बाद में नहीं, क्या पगली है, क्या बता, क्या भूल गई मैं? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं भूल रही है, it's just ऐसे। Forgetting what? ये बाद में recorded है। या मैंने सब तो पैक किया है, मैं कुछ पैकिंग में भूल रही हूँ क्या? नहीं। Forgetting what? मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ, चेक इन भी हो चुका है मेरा, मेरे पास 2 घंटे अभी, तो मैं W आ गई दिव्यता के लिए कुछ लेने के लिए। आई एम थिंकिंग टू गेट दिस फॉर हर, आई रियली लाइक दिस, ये उसे हो जाएगा आई थिंक। और अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, बाय 1 get 40, बाय 2 get 50, और ये सब लेने के बाद आई एम गोना ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। गिर गया बैग, दिस इज ऑल्सो नाइस, सो ये और वो कर दो। दिव्यता का गिफ्ट लेने के बाद गॉट माई सेल्फ सम पनीर टिक्का सैंडविच एंड कैपुचिनो, गेस करो कितने का होगा ये दोनों? 490। सैंडविच वाज सो एक्सपेंसिव और बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और हमारी फ्लाइट भी लेट हो चुकी है, बोर्डिंग चल रही है अभी, दे ऑल्सो चेंज द गेट। लैंडेड इन इंदौर, लास्ट टाइम मैं इंदौर एयरपोर्ट में थी 2018 में जब मैं गोवा जा रही थी। अभी बस मेरा एक लगेज बचा है, एक तो मेरे पास आ चुका है। मुझे ना अंकल आंटी लेने के लिए आए, दिव्यता इज़ वेरी टायर्ड क्योंकि वो आज ही UK से लैंड हुई भोपाल, वहाँ से इंदौर के लिए आई, तो वो मुझे लेने के लिए नहीं आई। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट अंकल आंटी ऑल्सो एंड दिव्यता। बस बैग आ जाए, लेट हो गया यार फ्लाइट हमारी। लगेज कलेक्ट कर लिया मैंने। हाय अंकल, कैसे हो आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कैसी हो आप आंटी? बढ़िया, तुमको लेने आए हो और अंदर तक भी मुझे लगा हार वार पकड़ के खड़े होगी, शालिनी आ रही है, कहाँ है मेरा हार? सहेली को तो हमने गुलाब का फूल तक नहीं दिया। बता तो घर वाली आंटी, मैं स्पेशल, मैं स्पेशल। नेक्स्ट मॉर्निंग दिव्यता किसका घर है? मैं दिव्यता के बुआ के घर में आ चुकी हूँ, हम सब यहीं ठहरे हुए हैं। एंड दैट्स दिव्यता, हाउ इज जेट लैग ट्रीटिंग यू? कल मैं मरी हुई थी। वो कल सच में लाश की तरफ पड़ी थी आप। मैं उसमें थी, सो जा दिव्यता नहीं तो हंसता आ जाएगा। यार कल मैंने ऐसे सोचा पहले तो कि मैं सो जाती हूँ, शालिनी को मम्मी पापा लेंगे, फिर मुझे लगा कि शालिनी वहाँ से यहाँ आ रही है मेरी शॉपिंग कराने, तो मैं 2 घंटा जगने की ट्राई कर सकती हूँ। फ्लाइट लेट है, मेरी फ्लाइट कैसी है यार? मेरे को लगता है ना मैं पनौती, बिकॉज 7 out of 10 times मेरी फ्लाइट डिलेट रहती है। यार आजकल सबकी फ्लाइट लेट हो रही है यार, कुछ तो भी चल रहा है गड़बड़। बढ़िया, US से कितना टाइम लगता है? 16 घंटे ना, 16-17 घंटे डायरेक्ट फ्लाइट में। शॉपिंग, आर यू एक्साइटेड? ये शॉपिंग, दिस इज पार्टी डांस, दिस आर पार्टी डांस दैट वी। जब अभी जब पैसे लगेंगे कार्ड पे तब पूछना मेरे से। थोड़ा सा सैड हो जाएंगे ऐसे कार्ड से पोस्ट लेकर जैसे आलिया भट्ट कर। आई वाज रियली हर्ट बाय इट। जो पता ना तेरे जोक्स पे सिर्फ मैं ही हंसती थी इस जमाने में। ये तो मुझे भी पता है। आंटी मेरे तुझसे प्यार से चाय बना के, कॉफ़ी बना के लेके आई, फिर वो पियेंगे फिर हम जाएंगे। जी बता,
I got you something. You don't really need to close your eyes. This is for you. Oh nice, ये बहुत मस्त है, है ना? कितना cute है ये. जी भी बहुत मस्त है. And I think size is perfect. हो जाना चाहिए तुझे. क्यों लेके आई मेरे लिए gift? क्यों नहीं? अब मुझे pressure हो गया है. तू पागल है क्या? There's another thing that was in the bag. Oh, not the bill though. Oh nice. ये बहुत मस्त है. तू उस तुझे heavy earrings वैसे ही पसंद नहीं, I know that. मैं कल airport पे W के store में earrings देखी. हाँ. We are doing MP का नाश्ता, पोहा, उसके बाद सेव. आंटी दो ड्यूटी में लगी है, नहा लो और खा लो. बस. और अभी नाश्ता किया था एक घंटे पहले और अब हम खाना भी खा रहे हैं. चलो. हाँ. और फिर वहाँ जाके पसर जाओ. We are ready. हम वॉर पे जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं वॉर पे? क्या नाम है उस जगह का? यहाँ साउथ तुकोगंज करके एरिया है, वहाँ पे ऐसे लहंगा और एथनिक क्लोथ्स के शोरूम्स हैं. हम लोग यहाँ पे ऐसे प्लानिंग कर रहे थे कि जाएंगे और क्या बोलेंगे उनको कि हमको किस रेंज में चाहिए, कैसा चाहिए, बिकॉज एक बार रेंज फिक्स कर दो, उनको बता दो ना, तो वो उसी रेंज का दिखाते, फिर वो बोलते उससे नीचे नहीं आएगा. दिस मोस्ट ऑफ द शॉप्स टू, कुछ कुछ शॉप्स ना अलाउ भी नहीं करते फिल्मिंग का, सो आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना फिल्म कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट गाइस. हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं नगोड़ा. इट्स नॉट नगोड़ास, इट्स नकोड़ास. यहाँ का ब्राइडल लहंगा कलेक्शन हमें इतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था. हम ढूंढ रहे थे मिनिमल लाइट वेट ब्राइडल लहंगा. पीच लहंगा वाज द ओनली लहंगा दैट ऑल ऑफ अस लाइक. 37,000 वो कुछ कोट कर रहे थे इसका. इसके बाद हम लोग गए थे स्विस बाय डोल्चे एंड सिमरन. यहाँ पे मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी लहंगास थे. यहाँ का कलेक्शन हमें काफी अच्छा लग रहा था. कैसा चल रहा है बताओ दिव्यता शॉपिंग? अरे यार धूप है. तो तुम्हारे चश्मे कहाँ रहे बहन के? साफ कर रही थी और मैंने बोला था कि इतने छोटा सा बैग कैरी करती है और सामान दूसरों को पकड़ा देती है, बस चलती है सब. हम लोग स्विस गए थे, मुझे तो वहाँ पे उनका जो कलेक्शन है काफी पसंद आया. कॉस्टली तो मुझे लगा वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. हाँ हमारे बजट के थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है, बट इट्स ओके. और मैथ्स लगेगी. हाँ बट वी हैव मोर शॉप्स टू एक्सप्लोर. अभी तो सिर्फ दो ही हुए हैं. Oh shit, यार. अभी दो ही शॉप्स हुए दिव्यता. अभी तो मैं तो पहले में ही डन थी वैसे, बट अभी हम अब तक 56 आए गाइस. नो इट्स जस्ट 56 नॉट अब तक 56. यहाँ पे बेसिकली 56 शॉप्स है, ये मुझे दिव्यता ने बताया. शाली तू यहाँ नहीं आई है? नहीं. यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फूड मिलता है, लाइक एकदम ही अमेजिंग. हाँ. जहाँ भीड़ है वो किसी रीजन से है, वो अच्छा ही होगा ना. और जहाँ भीड़ है वहाँ पे आधे से ज्यादा लोग यही सोच के जा रहे हैं कि अच्छा होगा क्योंकि भीड़ है. That's how the भीड़ got increased. फास्ट फूड्स में इतना ज्यादा खाती नहीं हूँ, बट दिव्यता इतना हाइप अप करी थी इस प्लेस को, तो फर्स्ट आई हैड दिस खोपरा पेटीज फ्रॉम विजय चाट हाउस. ये काफी अच्छा था, स्वीट और सार था. देन आई ऑल्सो हैड द बेली, फर्स्ट टाइम खा रही थी मैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. आई एम गोना हैव इट अगेन. एंड देन दिव्यता हैड जॉनी हॉट डॉग का, ये इंडियन हॉट डॉग काफी इंटरेस्टिंग था इसका भी फ्लेवर. लास्ट में आई हैड रोज कुल्फी, वेल दिव्यता वाज हैविंग सीताफल कुल्फी. ये रोज कुल्फी काफी अच्छी थी, बट इट वाज हाई ऑन कैलोरीज. आंटी चाहती कि हम 5 लोग पीछे बैठ जाए, कैसे होगा आंटी बताओ? इस वक्त इस गाड़ी में 7 लोग बैठे. आई डोंट नो हाउ बट वी एडजस्ट समहाउ. सामने दिखाती हूं आपको टॉप व्यू. लुक एट दिस. दिव्यता आगे. दुल्हन हाउ आर यू फीलिंग? रास्ता बताती जाओ. तुम सबसे आगे बैठी हो, तुम ड्राइवर से भी आगे बैठी हो. फिर हम लोग पहुंचे मोरनी. दिव्यता की मामी और मासी काफी कॉन्फिडेंट थे इस प्लेस के बारे में, एंड दे वर नॉट रॉन्ग. हमें यहाँ का कलेक्शन अच्छा लगा. उन्होंने लहंगा ट्रायल्स शूट करने दिया नहीं, बट वी फाउंड द वेडिंग लहंगा फॉर दिव्यता. 2000 इयर्स लेटर, वी आर स्टिल हियर. 8:30 बज गए. थिंकिंग टू गेट वन साड़ी फॉर माय मदर. दिस जो 6-400 वाली साड़ी है वो हटा दे. दिस इज प्योर महेश्वरी जॉर्जेट. कितना बोला भैया इसका? 10,490. ये तो एवरग्रीन है ना इसका, तो बस प्योर पे दीदी. एवरग्रीन है तो कभी फैशन से आउट नहीं होती. सुंदर सा सही है. यू फाउंड द लहंगा. आर यू हैप्पी विद द लहंगा? यस वेरी. यार काफी सही लहंगा मिल गया और काफी कम समय में मिल गया हमको. हमको एक दिन में ही लहंगा मिल गया. बस वी आर जस्ट लेफ्ट विद संगीत आउटफिट, जो कि हम स्विस बॉस है ना वहाँ से जाके लेंगे. वो भी बहुत अच्छा, आई थिंक 40K के अंदर वो भी आ जाएगा. कस्टमाइज बनाएंगे हम लोग. एंड ज्वेलरी वी आर गोना गो टू भोपाल एंड AGS Hardware. Oh,